Hey guys, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी की एक और brand new Miui 12 के top 3 premium legendary theme के video series के ऊपर. And इस video में मैं आप सब Miui device user के लिए लेके आऊँ ऐसे top 3 unique legendary themes जिसे apply करके आप अपने Miui device के boot screen से लेके new charging animation and new icon pack animation को आप active कर सकते हो. And आप अपने Miui device के look को पूरे तरीके से modify करके एक professional look में convert कर सकते हो. So please guys, आप इस video series को last तक देखना है. And मैं आप सबसे promise करता हूँ आपको कोई भी regret feel नहीं होगा. तो फिर चलिए video को start कर लेते हैं. सो विदाउट एनी मोस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो. सबसे पहले तो गाइस इस वीडियो पे लाइक के टकते 1000 लाइक्स का, तो फटाफट से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो. एंड अगर आप चाहते हो MIUI के नंबर 1 बेस्ट थीम के वीडियो सीरीज एंड MIUI के ऑल इन वन कस्टमाइजेशन एंड मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो सीरीज सबसे पहले एंजॉय करना, तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली फ्री में सब्सक्राइब भी कर सकते हो. तो फिर चलिए स्टार्ट करते. ओके तो गाइस हमारे लिस्ट पे मैंने जो आप सबके लिए फर्स्ट थीम को इंक्लूड या ऐड किया है, सिंपली उस थीम का नाम है AO मॉड. और गाइस इस थीम के जो क्रिएटर है वो मैं ही हूं. मैंने इस थीम को क्रिएट किया है, तो आप प्लीज इस थीम को सपोर्ट करना. एंड और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये टॉप 3 थीमों में से कोई भी थीम अगर आपको पसंद आ जाए एंड अगर आप चाहते हो उसे डाउनलोड करना, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे सारे ऑफिशियल थीम के डाउनलोड लिंक मिल जाएगा. आप वन क्लिक में थीम को डाउनलोड कर सकते हो. सबसे पहले अगर आप देखो इस थीम के होम स्क्रीन को, तो मैंने यहाँ पर जो वॉलपेपर को ऐड किया है वो कैमोलेड वॉलपेपर है, ताकि आपके फोन के बैटरी ज्यादा सेव हो और आपके फोन को एक काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करे. और यहाँ पर जो आपको आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर क्रिस्टल एक्स के जेली बीन आइकन पैक को यहाँ पर ऐड किया है, जो लुक वाइज तो काफी ज्यादा मिनिमलिस्टिक और खूबसूरत है, और इस होम स्क्रीन मॉडिफिकेशन के साथ तो और भी ज्यादा कमाल का लग रहा है. और अगर आप यहाँ पर होम स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे डबल टैप करोगे, तो आपको यहाँ पर काफी सारे होम स्क्रीन के क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा. मैंने यहाँ पर 6 से 7 क्लॉक फॉर्मेट ऐड कर दिया है. आपको जो पसंद आता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो. और अगर आप देखो इस थीम के कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन पैनल को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा पूरे मिनिमलिस्टिक, और आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ कंट्रोल सेंटर को प्रोवाइड कर दिया है, जो आप सबको डेफिनेटली पसंद आएगा. एंड अभी हम लोग सीधे चलते हैं इस थीम के कॉलिंग स्क्रीन की तरफ. सो अगर आप जाओगे इस थीम के कॉलिंग स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको कॉलिंग स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर पूरे व्हाइट वाइज मिनिमलिस्टिक आपको यहाँ पर कॉलिंग स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जो डार्क मोड एंड लाइट मोड दोनों को सपोर्ट करता है. एंड अभी हम लोग देख लेते हैं इस थीम के चार्जिंग एनिमेशन को. सो अगर आप देखो इस थीम के चार्जिंग एनिमेशन को, तो मैंने यहाँ पर जो चार्जिंग एनिमेशन को ऐड किया है वो सुपर वुक वाला, आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ काफी ज्यादा ओपी लग रहा है. और अगर आप देखो इस थीम के लॉक स्क्रीन को, तो लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 वाला, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है. एंड लास्ट में हम सभी देख लेते इस थीम के बूट एनिमेशन को, तो मैंने यहाँ पर जो बूट एनिमेशन को प्रोवाइड किया है वो काफी ज्यादा मस्त है. यहाँ पर मैंने फायर एनिमेटेड हैवॉक ओएस के बूट एनिमेशन को प्रोवाइड किया है, जो आप सबको डेफिनेटली पसंद आएगा. एंड प्लीज गाइस आप इस थीम को डाउनलोड करके जरूर ट्राई करना. एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना आगे आप कैसे कैसे थीम देखना चाहते हो, ताकि मैं उस तरीके का थीम क्रिएट कर सकूं. एंड गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड थीम के बारे में, जो कि है एलिगेंट ओरिजिन ओएस. सबसे पहले अगर आप देखो इस थीम के होम स्क्रीन के लुक को, तो होम स्क्रीन के लुक पूरे ओरिजिन ओएस की तरह ही रखा गया है. और अगर आप यहाँ पर आइकन पैक को देखोगे, तो यहाँ पर जो आपको आइकन पैक प्रोवाइड किया गया है फुल्ली एनिमेटेड स्मूथ एनिमेशन वाला, आपको यहाँ पर आइकन पैक को प्रोवाइड किया गया है, जो इस बैकग्राउंड वॉलपेपर के साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है. और अगर आप होम स्क्रीन पे क्लॉक विजिट के नीचे डबल टैप करते हो, तो आप यहाँ पर क्लॉक विजिट को डबल टैप में चेंज भी कर सकते हो. एंड अभी हम लोग देख लेते हैं इस थीम के नोटिफिकेशन पैनल या कंट्रोल सेंटर को. सो अगर आप देखो इस थीम के कंट्रोल सेंटर को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा पूरे ओरिजिन ओएस बेस्ड, आपको यहाँ पर कलरफुल कंट्रोल सेंटर प्रोवाइड किया गया है, जो आप सबको डेफिनेटली पसंद आएगा. और अभी हम लोग सीधे चलते इस थीम के लॉक स्क्रीन की तरफ. सो अगर आप जाओगे इस थीम के लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन पे लॉक स्क्रीन ओपनिंग एनिमेशन को प्रोवाइड किया गया है, एंड जो क्लॉक फॉर्मेट होता है उसके सिर्फ कलर को ही चेंज किया गया है. और अगर हम लोग देखें इस थीम के बूट एनिमेशन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा फुल्ली ओरिजिन ओएस का, आपको यहाँ पर बूट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो काफी ज्यादा स्मूथ और फ्लुएंट है. एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नेक्स्ट एंड थर्ड नंबर के थीम के बारे में, जिसका नाम है अल्ट्रा. सो अगर आप एक बेस्ट फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला थीम सर्च कर रहे हो, तो आपके लिए ये थीम मस्ट हैव है. सबसे पहले अगर आप देखोगे इस थीम के होम स्क्रीन के लुक को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको होम स्क्रीन के लुक को प्रोवाइड किया गया है, डिजिटल फॉर्मेट के साथ फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला होम स्क्रीन को प्रोवाइड किया गया है. और अगर आप देखो इस थीम के आइकन पैक को, तो यहाँ पर जो आइकन पैक को प्रोवाइड किया गया है वो रेड एंड व्हाइट कलर के साथ कॉम्बिनेशन करके एक शेडो यूआई बेस्ड आइकन पैक को क्रिएट किया गया है, जो होम स्क्रीन मॉडिफिकेशन के साथ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रहा है. एंड अगर आप देखो इस थीम के कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन पैनल को, तो कंट्रोल सेंटर या नोटिफिकेशन पैनल पे ज्यादा कुछ चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल MIUI के कंट्रोल सेंटर ही देखने को मिल जाता है. सो अगर हम लोग देखें इस
टीम के फोन को या कॉलिंग स्क्रीन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसके जो आपको फोन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा पूरे डार्क मिनिमलिस्टिक रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ फोन स्क्रीन को क्रिएट किया गया है, जो MIUI से तो बहुत ही ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। एंड अभी हम लोग सीधे चलते हैं इस थीम के लॉक स्क्रीन की तरफ। सो अगर आप जाओगे इस थीम के लॉक स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लॉक स्क्रीन के लुक बहुत ही ज्यादा ऑसम है। यहाँ पर पूरे आपको वेब एनिमेटेड आपको यहाँ पर एनिमेशन के साथ लॉक स्क्रीन को प्रोवाइड किया गया है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स पे टैप एंड होल्ड करके रखोगे, तो आपको यहाँ पर एक वेब एनिमेटेड एनिमेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो आपके फ्यूचरिस्टिक लॉक स्क्रीन को और भी ज्यादा शानदार दिखाता है। एंड जैसे ही अगर आप अपने फोन को चार्ज पे लगाओगे एंड देन देखोगे इस थीम के चार्जिंग एनिमेशन को, तो आपको यहाँ पर पूरे ओवरफ्लोड वाला आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है। सो अगर आप एक बेस्ट डिजाइन वाला फ्यूचरिस्टिक एनिमेटेड थीम सर्च कर रहे हो, तो आपके लिए ये थीम मस्ट है। आप इस थीम को डेफिनेटली ट्राई करना। सो बस गाइज, इस वीडियो सीरीज पे इतना ही था एंड आई होप कि आपको ये थीम सीरीज पसंद आया है। एंड आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना कि आपको ये टॉप 3 थीमों में से कौन से थीम बेस्ट लगा एंड मैंने जो थीम डिजाइन किया है आप सबके लिए वो थीम कैसा है। एंड नेक्स्ट थीम सीरीज पे आप कौन से तरीके का थीम देखना चाहते हो, ये भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसी तरीके का थीम डिजाइन करके उसी तरीके का थीम के वीडियो ला सकूं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।